पैर दबाने के लिए बोल रही है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो अभी ना 1:30 बज रहा है और अभी हम और निकी और मॉली, तुम भी जा रही हो, हम लोग निकल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पे एक बहुत प्रीशियस एक पार्सल आया है, मतलब कि गिफ्ट आया है, गिफ्ट भी नहीं है वो, मतलब इतने दूर से अमेरिका से आया है वो, तो हम लोग के लिए बहुत स्पेशल है। तो चलना है ना मौली? हाँ। तुम्हारा कपड़ा ठीक है? देखो, अच्छे से, अच्छा कुछ नहीं हुआ, बस चोटी कर लो, चोटी ठीक है कि कर दे? ए मौली का बाबू का चोटी कर दे कि ठीक है, यानी कि कर दे कि ठीक है, कर दे लगेगा। तो अभी हम लोग ना निकल रहे हैं, हाँ चाय पी करके और निकल रहे हैं पोस्ट ऑफिस। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार, मैंने कपड़ा तो ठीक पहनी हो, खाली बाल बना लो ना, ठीक है? मम्मी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद मेरे तरफ से। और आज तो मौसम कुछ ठीक किया हुआ है, धूप निकला हुआ है, इस बात की हमको ज्यादा खुशी है। और हमारे जितने भाई बहन है सबका कपड़ा भी बढ़िया सूख जाएगा, कपड़ा बढ़िया सूख जाएगा, उसमें मम्मी को बहुत खुशी है, बढ़िया अच्छा मौसम भी किया हुआ है। हाँ तो गाइस देखिए, हम ना एक तो चेन खरीद के लाए हैं, ये चेन कितने का होगा कमेंट करके बताइएगा। चेन मतलब मेरा तो ऐसे भी ना, और ये कान का भी जो हम पहना है ना, ये ऐसे हमको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये पलक भेजी थी, पलक लुधियाना से है, वो भेजी थी तो बहुत प्यार से भेजी थी, वो मौली का कुछ कुछ सामान भेजी थी ना, उसमें वो ये इयर रिंग भी था, तो अभी हम डाल लिए, और ये वाला तो हम ही खरीदे थे यहाँ से। तो कितने का होगा कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल पहनने का मन कर रहा था तो हम पहन करके इसको अभी निकलते हैं पोस्ट ऑफिस, हम और निक्की, थोड़ा सा जल्दी करो, चाय पी लेते हैं। चाय मेरा कौन वाला है? आपको दी? आप बाबू हम भी दादी बैठ जाए, बैठ जाओ, बन जाओगी तो बैठ जाओ, नहीं तो उधर का भी सीट चौड़ा है, बन जाता है, बन जाएगा। चल चलिए भैया, पोस्ट ऑफिस जाना है ना, पोस्ट ऑफिस जिला स्कूल वाला? हाँ नहीं, स्कूल वाला वहाँ पे कौन, जहाँ बगल में मंदिर है, हनुमान मंदिर, हाँ, है ना, हाँ, वही वाला, हाँ। बड़का पुर चलो, रुको एक मिनट, हाथ छोड़ो, ऑटो हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए था, इसी ऑटो से बोलना चाहिए था, ऑटो हटता भी नहीं। हाँ अमली, ये हम लोग का डाल्टनगंज का बड़ा पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे तो आने का ऐसा नहीं होता है, मतलब क्योंकि कुछ भी यहाँ पे अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ भी आता है ना, तो पोस्टमैन घर पे ही डिलीवर कर जाते हैं। लेकिन ये वाला पार्सल लेने के लिए पता है हम लोगों ना घर पे मतलब फ़ोन करके बोला गया, क्योंकि ये पार्सल पता है 12,500 रुपया सिर्फ डाल्टनगंज झारखंड भेजने का था, और अमेरिका से इंडिया भेजने का तो अलग ही था। तो गाइस कल गए थे हम लोग पार्सल लेने गए थे, जो कि सीधे सीधे कहाँ से आया मौली? अमेरिका से आया है। हाँ। अमेरिका से आया है, नानी जी के वजह से आया। लव यू नानी जी मम्मा नानी जी वीडियो पे है? नहीं वीडियो पे नानी जी नहीं है, लेकिन सो अभी नानी जी सोई होंगी, उठेंगी तो वो देख लेंगी, ठीक है? तो गाइस ये स्कूटर तो खैर बड़ी मम्मी भेजी है मौली के लिए, और ये बहुत प्यारी सी डॉल आई है, जो कि इतनी प्यारी सी है ना, इतनी प्यारी सी है कि हमको पता है क्या लग रही है कि ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, ऐसा बच्चा नहीं है, ये टाइगर का बच्चा लग रहा है, टाइगर का बच्चा लग रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, और मैं स्टैचू स्कूल पे खेल रही थी।
स्टैचू अच्छा दबाओ तो ये पैर दबाने के लिए बोल रही है इसका इसका ये ऐसे हे लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम यू सो क्यूट मॉली को ये बहुत पसंद आई पता है क्योंकि ना मॉली को खेलने के लिए कोई साथ में होता नहीं था देखिए इसके पीछे एकदम ऐसी लगी हुई है इसको बहुत अच्छी लगी मतलब बहुत अच्छी लगी इसका कान से प्रेस करने पे ना ईयर ऐसे नहीं ऐसे नहीं करो प्यार से करो अरे प्यार से करो रोने लगेगी प्यार से उसको गोदी लो प्यार से देखिए गाइस अभी हम कुछ दिखाते हैं क्या नहीं यहीं पे दिखाओ नहीं यहाँ पे दिखाओ प्लीज नहीं नहीं अच्छा ठीक है गाइस इसका प्राइस ना हम अभी नहीं बताएंगे ये डॉल अब मिलती भी नहीं है दोबारा ये डॉल अब नहीं मिलेगी ये मतलब 30 साल पहले ये डॉल आई थी मार्केट में वो भी इंडिया के मार्केट में शायद नहीं आई थी यूएस में ये डॉल आई थी तो अभी ये बंद हो गया है ना अच्छा ठीक है बैठा देना तो चलो इसका तो जिद के आगे चलो ठीक है उसका गर्दन नहीं पकड़ो मॉली नहीं उसको प्यार से उसका हाथ पकड़ोगी ना कितने प्यार से बोल रही है लेट्स कीप क्रॉलिंग हो गया हाँ तो इसको यही दिखाना था और पता है क्या बड़ी मैं इसको यूएस से भेजी है मतलब अमेरिका से सच में हम बहुत लकी है कि हमको ऐसे लोग मेरे पास हैं और ऐसा नहीं है यार कोई नेगेटिव बोलने वाला ना कहीं से भी बोलता है मेरे लिए सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट है सब लोग पब्लिक का सपोर्ट है पब्लिक का प्यार है तभी तो आज यहाँ तक है ना तभी तो आज सब कुछ मैनेज हो पा रहा है लेकिन जला मत कीजिए किसी से मतलब किसी से जेलस मत किया कीजिए आज हम यूट्यूब पे भी है ना तो हम मतलब 2.5 साल से कंटिन्यू बने हुए हैं मतलब 2 साल तो पूरा अच्छे से हो गया तब जा करके यहाँ तक पहुँचा है अपना मेहनत लगता है डेली बेसिस पे वीडियो डेली बेसिस पे एडिटिंग डेली बेसिस पे पहले तो और एकदम एक दिन भी मिस नहीं होता था इधर तो कभी कभी हो भी जा रहा है तब जा करके अभी ये दिन देखे हैं वो भी पता है आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा कि ये डॉल कितने की होगी और अभी आज तक का सबसे महंगा कपड़ा मेरे पास आया है सबसे महंगा कपड़ा मतलब हम तो सोचे भी नहीं थे और ये कोई ब्रांड है तो वो जो कपड़ा है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप लोग को कि मतलब इतना महंगा हम कभी नहीं पहने इतना महंगा कपड़ा और मतलब शादी में पहने थे लहंगा जो 16,000 का था 16-17,000 का उसके बाद हम कभी नहीं पहने इतना महंगा कपड़ा कभी भी नहीं मतलब हम 5,000 से ऊपर का कपड़ा हम पहने ही नहीं है बस शादी में एक बार ही पहने थे तो अभी वो आ रखा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे फिलहाल तो हमको ना अभी सेंटर निकलना है और आज और भी बहुत कुछ काम है क्योंकि पितरपक्ष के दिन वो करवाना है घर में पंडित जी लोग के साथ भोजन करवाना है उन लोगों को हाँ दिखाओ अच्छा और आप ऐसे भी कर सकते देखिए आप ऐसे भी कर सकते ठीक है बहुत अच्छा
ये पता है अभी तक जो भी कुछ मतलब आदमी स्ट्रगल देखा है लाइफ में, लेकिन अभी कुछ अगर ठीक भी है ना तो सोशल मीडिया का ही है, ऊपर वाले का देन है, सोशल मीडिया का देन है तभी। तो फिलहाल ना ये प्यारी सी विद्या रानी को दिखाना था, प्यारी सी विद्या रानी को दिखाना था, ये मुझे बहुत क्यूट लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसका प्राइस गेस करके जरूर से बताइएगा कितने की होगी। तो मम्मी भी आ गई यहाँ, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।